हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम एक्सेल में लॉगिन फॉर्म कैसे रेडी करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए मेरे पास एक एक्सेल फाइल है जिसका मैंने नाम रखा है लॉगिन फॉर्म, क्योंकि इस वाली फाइल में मैंने ऑलरेडी एक लॉगिन फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैं इस फाइल को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूं तो देखिए मेरे पास फाइल तो ओपन नहीं हो रही है, बट एक लॉगिन फॉर्म यहां पे मेरे सामने आ गया। ठीक है, तो इसी फॉर्म को मैं डिजाइन करना आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पे पासवर्ड डाल देता हूं विकास, और पासवर्ड डाल देता हूं विकास। ठीक है, ये मैंने रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया क्योंकि मेरा पासवर्ड यूनिवर्सिटी मैंने डाला हुआ है। लॉग इन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ गया प्लीज एंटर करेक्ट पासवर्ड। मैं फिर से एक बारी विकास डाल देता हूँ, और पासवर्ड जो मेरा सही पासवर्ड था वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो है यूनिवर्सिटी। अब मैं जैसे लॉग इन करूंगा तो मेरी ये एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अनलॉक फाइल का मेरे पास मैसेज आ गया। जैसे मैंने ओके कर दिया, देखिए मेरे पास जो फाइल थी लॉग इन फॉर्म नाम से वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और ऐसा ही मैं अब लॉग इन फॉर्म आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं स्क्रैच से अब आपको लॉग इन फॉर्म बना के सिखाने वाला हूँ। ये मैंने ले ली एक्सेल एक ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले हम अपना विजुअल बेसिक एडिटर ओपन करेंगे, जिसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, शॉर्टकट है अल्ट प्लस एफ इलेवन। हम प्रेस करेंगे अल्ट, अल्ट के साथ हम प्रेस करेंगे एफ इलेवन। देखिए जैसे ही मैंने अल्ट के साथ एफ इलेवन प्रेस कर दिया, वैसे ही मेरा यहाँ पे देखिए विजुअल बेसिक एडिटर यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, मैं एक बार फिर से कट करता हूँ और फिर से आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। अल्ट अल्ट के साथ एफ इलेवन। ठीक है गाइस, ये देखिए मेरा विजुअल बेसिक का एडिटर ओपन हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार ये फोकस ऑन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ये देखिए, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले तो हम इसमें एक फॉर्म इंसर्ट करेंगे। ये देखिए मेरी यहाँ पे ये है वर्कबुक वन, शीट वन वर्कबुक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक इंसर्ट करेंगे यूजर फॉर्म। ठीक है, ये वाला यूजर फॉर्म इंसर्ट करेंगे। आप इंसर्ट में जाएंगे और यूजर फॉर्म इंसर्ट करेंगे। मैं ओके कर रहा हूं, जैसे ही मैंने कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे देखिए ये यूजर फॉर्म बुक वन का यूजर फॉर्म मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम अपना यूजर फॉर्म है वो हम यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, और इसको डिजाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक टूल बॉक्स है। ठीक है, जिसे हम यहाँ पे डिजाइनिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दो लेवल ले लेंगे। यहाँ पे मैंने लेवल ले लिया यहाँ से लेके ये देखिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल, कोई कोडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। जो कोडिंग है वो मैं आपको देने वाला हूँ फ्री में। ये देखिए, ठीक है, ये मेरा लेवल वन हो गया, ये मेरा लेवल टू हो गया। ओके, और अब मुझे यहाँ पे पासवर्ड देना है, तो पासवर्ड के लिए देखिए ये वाला है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स लेंगे हम यहाँ पे, ये वाला ले लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, एक और ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड के लिए ले लेते हैं इस बार, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे दो मैंने लेवल ले लिए, दो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लिए। अब मैं यहाँ से एक कमांड बटन लेने वाला हूँ जो कि है ये वाला। ये देखिए, मैं इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन करता हूँ। ये देखिए मेरा आ गया टेक्स्ट बॉक्स। अब हम क्या करेंगे, इस जो ये लेवल है यहाँ पे लेवल वन लेवल टू, इनको हम क्या करेंगे, रीनेम करेंगे। रीनेम करने के लिए हम सबसे पहले लेवल वन में जाते हैं, लेवल वन में जाते हैं, और यहाँ पे देखिए मेरे पास जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे देख लीजिए लेवल वन की प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये सारी प्रॉपर्टी है लेवल वन की। यहाँ से देखिए कैप्शन लिखा है, तो लेवल वन में डाल के हम नाम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आप फोकस रखिएगा इस पे, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ नाम यूजर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर नेम चेंज हो गया, और यहाँ से जो फॉन्ट है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ फॉन्ट, और फॉन्ट साइज भी हम यहीं से चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरे पास खुल गया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, और 12 ले लेते हैं साइज, स्टैंडर्ड साइज, ओके कर देंगे। यहाँ देखिए आ गया, और अब मैं लेवल टू को डिजाइन कर लेता हूँ। तो कैप्शन हम फिर से, कैप्शन यहाँ पे चेंज करेंगे,
कैप्शन में हम देंगे नाम पासवर्ड, ठीक है गाइस। और सेम टू सेम फॉन्ट साइज यहां से चेंज करेंगे, यहां पे देखिए फॉन्ट है, सेम टू सेम लेंगे टेन न्यू रोमन और यहां पे ले लेंगे 12 साइज, ओके कर लेंगे। यहां पे देखिए मेरा पासवर्ड भी आ गया और यूजर नेम भी मेरा बनके यहां पे रेडी हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए मेरा यहाँ पे यूजर नेम भी बन गया और पासवर्ड भी बन के रेडी हो गया, ये देखिए, ठीक है। अलाइनमेंट सेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ये ठीक है, ठीक है। इसका मैं थोड़ा साइज कम कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। कमांड जो बटन है इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ और यहाँ से अब हम जो हमारा फॉर्म है उसका साइज यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहां से और यहां से भी, ये देखिए, ठीक है। अब जो कमांड बटन है इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां से अब प्रॉपर्टीज में जाके इसका भी कैप्शन यहां पे चेंज करता हूं। पहले से क्या था कमांड बटन, इसको हम करेंगे यहां पे लिख लेंगे हम लॉगिन, लॉगिन लिख लो या साइन अप लिख लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। देखिए यहां पे आ गया लॉगिन लिखा, ओके डन। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब देखिए हमारा लॉगिन फॉर्म ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये मेरा यूजर नेम था इसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, इसको भी मैं कलर वगैरह चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे हम, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया यूजर फॉर्म के ऊपर, अब देखिए यूजर फॉर्म की प्रॉपर्टी मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गई। अब हम यहाँ पे यूजर फॉर्म वन नाम था इसका, इसको मैं चेंज करके नाम दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे लॉगिन फॉर्म नाम दे रहा हूँ, आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। लॉगिन फॉर्म मैंने दे दिया और यहां से अब मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, बैक कलर जो भी देना चाहते हो आप, ये वाला दे दे, ये वाला भी ठीक लग रहा है, ये वाला दे देते हैं। और बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर ब्लू दे देते हैं, ठीक है, ओके डन, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब देखिए जो यूजर नेम वगैरह ये थोड़े मतलब के डिजाइन इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ ही, दोनों को सिलेक्ट कर दिया एक साथ। अब यहाँ पे देखिए जो बैक स्टाइल है इसका ये वन था, इसको हम यहाँ पे जीरो कर लेंगे, ठीक है, बैक स्टाइल को यहाँ पे जीरो कर लेंगे। तो जैसे मैं जीरो कर लूंगा तो इसका बैक स्टाइल, ये जो स्टाइल था इसका, ये यूजर फॉर्म के साथ तो मैच हो गया, ठीक है। तो अब हमारा ऑलमोस्ट लॉग इन फॉर्म बन के रेडी हो चुका है, डिजाइनिंग इसकी हो चुकी है, ठीक है, डिजाइनिंग इसकी प्रो हो चुकी है और अब हमको सिर्फ कोडिंग करनी है इसके ऊपर। और कोडिंग कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये टूल बॉक्स को यहाँ से साइड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलिए सबसे पहले जो यहाँ पे दिस वर्कबुक है, सबसे पहले हम इसमें कोडिंग करेंगे, दिस वर्कबुक में कोडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस वर्कबुक को क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे जैसे ही हमने डबल क्लिक किया तो दिस वर्कबुक के लिए कोड एडिटर यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। यहां से हम वर्कबुक सेलेक्ट कर लेंगे और यहां से हम ओपन की जगह हम क्या लिख लेंगे, एक्टिवेट, ठीक है, यहां से हम एक्टिवेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा यहां पे हो गया वर्कबुक एक्टिवेट वाला हमारे पास यहां पे ओपन हो गया, ठीक है। अब हम कोड खुद नहीं लिखेंगे गाइस, अब यहां पे देखिए मेरे पास मेरी वेबसाइट है विकास यूनिवर्सिटी, जिसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे लॉगिन फॉर्म का जो है वो कोड यहाँ पे दिया रहा है, वीवीए कोड फॉर लॉगिन फॉर्म इन एक्सेल, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हमको क्या करना है, यहाँ से अब डायरेक्ट इसको कॉपी नहीं कर सकते, यहाँ पे जाइएगा आप, यहाँ पे लास्ट वाले बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला था वर्कबुक एक्टिवेट वाला कोड, या तो आप इसको सारा ही कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो आप क्या कर लेंगे, यहां से ये वाली जो दो लाइन है वो यहां से कॉपी कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है, यहां से मैंने कॉपी कर ली। अब हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे अपने विजुअल बेसिक एडिटर में, ठीक है, और यहां पे हम जो दो लाइन थी हमने कॉपी की थी वो यहां पे पेस्ट कर लेंगे, या आप इसको याद भी रख सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एप्लीकेशन डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स, मतलब
अगर हमारी जो एप्लीकेशन है वो विजिबल नहीं है तो क्या हो, तो यूजर फॉर्म जो हमने बनाया हुआ है डॉट शो वो हमको शो हो जाए। ठीक है, सबसे पहली कोडिंग तो ये होगी। क्या कोडिंग होगी कि वर्कबुक पे अगर कोई क्लिक करेगा, अगर उसको वो शो ना हो तो यूजर फॉर्म उसके सामने शो हो जाए। ठीक है, डन। इतनी सी कोडिंग थी। अब दूसरी कोडिंग कहाँ पे होगी? चलो ठीक है, जब हमारे पास यूजर फॉर्म शो हो जाएगा तब क्या होगा भाई, तो यूजर फॉर्म में चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यूजर फॉर्म में अब हम कोडिंग करेंगे। यूजर फॉर्म कहाँ पे हमारा? ये वाला रहा हमारा यूजर फॉर्म। वैसे जो यूजर है जो क्लिक करेगा तो उसको ये वाला फॉर्म दिख जाएगा, तो अब क्या करेगा वो लॉगिन पे क्लिक करेगा, तो लॉगिन की कोडिंग हम यहाँ पे डालने वाले हैं। तो लॉगिन की कोडिंग के लिए हम क्या करेंगे, लॉगिन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अपने आप यहाँ पे देखिए यूजर फॉर्म जो मेरी थी, कमांड बटन जो था लगाया हुआ हमने, उसकी यहाँ पे कोडिंग अब यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सेम टू सेम वापस जाएंगे अपनी वेबसाइट पे, और यहाँ पे देखिए सेम टू सेम न्यू कोड न्यू विंडो में ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए ये वाला कमांड बटन वाला कोड है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और एंडिंग तक सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, अब चले गए वापिस अपने एडिटर पे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से इसकी कोडिंग भी समझ लेते हैं एक बार। अब जब यूजर फॉर्म हमारे को शो हो जाएगा फिर क्या बोलेगा है? इफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू विकास, कि अगर जो टेक्स्ट बॉक्स था हमारा पहले, मैं यहाँ पे मेरा यूजर नेम हम लिख सकते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया एडमिन एडमिन, एंड टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या हो, टेक्स्ट बॉक्स 2 में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ विकास, विकास डाल देता हूँ नाम। ठीक है, तो वी बड़ा था ये मैंने डाल दिया, ये भी ध्यान रखिएगा आपका, जो आपने कैपिटल स्मॉल में लिखा है सेम टू सेम आपको वहां पे डालना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने एक्चुअली में अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 में एडमिन लिखा हो एंड टेक्स्ट बॉक्स 2 में विकास लिखा हो देन तो क्या हो, तो मैसेज बॉक्स हमारे पास क्या आ जाए, अनलॉक फाइल, या आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अनलॉक फाइल सक्सेसफुली, SUCCESS, सक्सेस FUL, सक्सेसफुली। ओके डन। अब दूसरा एप्लीकेशन डॉट विजिबल ट्रू, जो अब जो एप्लीकेशन थी जो हमारी एक्सेल फाइल थी वो दिख जाए, अनलोड हो जाए, अनलोड मी वो एक्सेल फाइल हमारी अब अनलोड हो जाएगी, या एल्स अदरवाइज अगर यहाँ पे एडमिन और विकास की जगह कुछ और लिख दिया जाए, मतलब रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया जाए तो क्या होगा, एल्स मैसेज बॉक्स में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, प्लीज एंटर करेक्ट पासवर्ड, एंड हमारे सामने फिर से टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 वहां पे शो हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप कोडिंग को? अब हम क्या करेंगे, सेम बस इतनी कोडिंग थी, कोई ज्यादा कोडिंग भी नहीं है। ठीक है, और वो भी मैंने आपको बता दिया हमको कहाँ से कॉपी करनी है, वो हमको यहाँ से कॉपी करनी है। ठीक है, इस वाली वेबसाइट से, इसका लिंक मैं आपको कहाँ पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है गाइस, अब हमको क्या करना है, ये अब हमारी कोडिंग हो गई, अब हमको कुछ नहीं करना, ना सेव करना है ना कुछ करना है। ठीक है, कोडिंग जो हमारा एडिटर था उसको हम कुछ सेव नहीं करते हैं, सिंपल अब हमको क्या करना है, अपनी फाइल को सेव करना है। सेव करेंगे, सेव कर लेंगे आप डेस्कटॉप में, मैं सेव कर रहा हूं, डेस्कटॉप मैंने चूज कर लिया, डेस्कटॉप पे यहाँ पे लिख लेते हैं नाम LOGIN लॉगिन फॉर्म न्यू। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो सेव एस टाइप है वो हमको रखना है यहाँ पे एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट। ठीक है, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि हमको क्या करना है, मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, सॉरी एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक आपको यहाँ पे सेव एस टाइप में सिलेक्ट करना है, और मैं अब सेव कर रहा हूँ, और मेरी ये वाली फाइल देखिए लॉग इन फॉर्म न्यू जो था मैंने बनाया वो यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मैं इसको कट कर रहा हूँ। ठीक है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखिए ये वाला है। ठीक है, ये देखिए मेरा जो फाइल था जो नया हमने अभी बनाया वो ये वाला था। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए फाइल नहीं खुली, जो हमने अभी बनाया था लॉगिन फॉर्म वो बनके यहाँ पे डिजाइन रेडी हो गया। ठीक है, आप कोई भी डिजाइन दे सकते हैं यहाँ पे, कैसा भी बना सकते हैं अच्छे से अच्छा। ठीक है,
पहले मैंने ब्लू कलर का लिया था, अभी मैंने ये वाला लिया। ठीक है, अपने स्टाइल से आप यहाँ पे फॉन्ट भी दे सकते हो, कलर भी दे सकते हो, डिजाइन भी दे सकते हो, जैसा आपने बनाना वैसा आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं गलत डाल देते हैं, मैं यहाँ पे विकास ही डाल देता हूँ, यहाँ पे भी विकास डाल देता हूँ। क्या गया, प्लीज एंटर करेक्ट पासवर्ड, सही वाला डाल देते हैं। हमने क्या लिया था, एडमिन, और पासवर्ड मैंने लिया था कैपिटल वी था, विकास, है ना। लॉग इन कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया, अनलॉक फाइल सक्सेसफुली। जैसे ओके कर देंगे, देखिए मेरे पास जो फाइल थी वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए वीडियो में, और सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट, विकास यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।